तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी आई है, जहां पर कोई भी जो है फीस नहीं लग रही है। और मेरे ख्याल से अगर जहां पर कोई भी फीस नहीं लगती है तो बिल्कुल ऐसे फॉर्म को आप जरूर भरें, क्योंकि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं हो सकता है कि वहीं पर जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। उम्र यहाँ पर 40 ईयर रखी गई है, बाकी डिटेल में हम नोटिफिकेशन में देखेंगे जो कि मेन वेबसाइट पर डाला गया है। तो ये दो पेजों की ही पीडीएफ फाइल रहेगी, डायरेक्ट एंड डिप्यूटेशन रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोजिशन। डिप्यूटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है अकाउंट ऑफिसर की है, और ऑन डिप्यूटेशन के लिए असिस्टेंट रजिस्टर्ड ए और बी की है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो एक एक ही है। हम बात करेंगे स्पेशली अकाउंट ऑफिसर की। पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है इनको लेवल 11 और लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि एक ही पोस्ट है, हो सकता है कि ये पोस्ट जो है वो आपकी ही हो। यहाँ पर अकाउंट ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन कहा है कि मास्टर डिग्री अगर आपने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैथ से किया है, 55% मार्क्स हैं आपके, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ एलिजिबल रहते हैं। साथ में यहाँ पर जो है कंप्यूटर की जो है नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर पर जो है काम करना आपको आना चाहिए। और यहाँ पर सिलेक्शन क्या रहेगा, रिटन एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन जो है काफी जो है अच्छे वेतन पर आप लोगों को रखा जाएगा। 40 साल जो है यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पर जो है आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर के लिए एक ही पद है, लेकिन एक पद जो है वो किसका है ये तो नहीं पता। और आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल यहाँ पर भरें। डिजायरेबल में 3 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्टर्ड की भी जो है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन कहा है ग्रुप ए के लिए या ग्रुप बी के लिए, जिसके लिए भी आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है रेगुलर सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो है पहले से ही आप लोग काम कर रहे हो। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जो मांगा जाता है ये आपको जो है यहाँ पर जमा करना होगा। सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। लेवल 10 लेवल 11 के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी मिलेगी। आपको क्या करना है, नीचे जो यहाँ पर अलग से ही जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसे जो है आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा है सेंड एप्लीकेशन, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको करना होगा, ये पूरा एड्रेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई फीस जो है आपकी नहीं लग रही है। ठीक है, और 4 दिसंबर 2023 तक 5 बजे तक जो है आप लोगों को ये फॉर्म फिल करके भेज देना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि एक ही पोस्ट है, हो सकता है कि ये एक पोस्ट जो है आपकी हो। ठीक है, और किसी भी कैंडिडेट की जो है हो सकती है ये एक पोस्ट। तो जैसे ही जो है वैकेंसी निकलती है, चाहे वह सरकारी हो, प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।